नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका कंपटीशन कम्युनिटी में। दोस्तों, सीजीपीएससी मेंस कंसेप्ट सीरीज के अंतर्गत आज हम पढ़ने वाले हैं समाजशास्त्र, और समाजशास्त्र में हम पढ़ेंगे सामाजिक परिवर्तन अर्थात सोशल चेंज। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहां से ध्यान रखिएगा, बड़े क्वेश्चन आने के चांसेस ज्यादा रहते हैं, छोटे तो आएंगे ही, ठीक है, बड़े क्वेश्चन आने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। क्यों? क्योंकि सामाजिक परिवर्तन अपने आप में एक बहुत बड़ी अवधारणा है। अब देखिए, सामाजिक परिवर्तन समझने से पहले हमको परिवर्तन को समझना पड़ेगा। व्हाट इज मीन बाय चेंज? तो सबसे पहले आप समझिए परिवर्तन को। चेंज हम किसे कहते हैं? चेंज अर्थात परिवर्तन। परिवर्तन का तात्पर्य क्या है, सबसे पहले यह समझे, तब तो हम समझ पाएंगे कि समाज में परिवर्तन किस प्रकार से होता है। ठीक है, चलिए देखिए, परिवर्तन क्या होता है? जब किसी वस्तु में, किसी निश्चित समय में या किसी भी समय में अगर कोई परिवर्तन परिलक्षित होता है, दिखता है, तब इसी को हम क्या कहते हैं? ठीक, परिवर्तन। यानी कि अभी भी थोड़ा सा कंफ्यूज हो गए आप, अर्थात अब इसी को मैं दूसरे तरीके से समझाता हूं। जब किसी वस्तु में, ध्यान रखिएगा, पहला चीज हो गया वस्तु यानी ऑब्जेक्ट। जब किसी ऑब्जेक्ट में किसी निश्चित समय पर, ध्यान रखिएगा, किसी भी निश्चित समय का मतलब एक घंटा भी हो सकता है, एक साल भी हो सकता है, 10 साल भी हो सकता है, समय पर, यानी किसी निश्चित समय पर, यानी कि दूसरा ऑब्जेक्ट हो गया या दूसरा पॉइंट हो गया टाइम, क्या होता है? भिन्नता दिखाई देती है। ध्यान रखिए, भिन्नता यानी कि, ठीक है, क्या दिखाई दे रहा है यहां पर आपको? भिन्नता का मतलब हम क्या करें, डिफरेंस दिखाई दे रहा है, डिफरेंस, तब हम कहेंगे इसी को चेंज कहेंगे। ध्यान रखिएगा, चेंज, व्हाट इज मीन बाय चेंज? व्हेन वी ऑब्जर्व इन अ ऑब्जेक्ट इन अ लिमिटेड टाइम दैट दे कैन, व्हाट इज मीन बाय चेंज? आइए अब हम समझ लेते हैं परिवर्तन क्या है। जब किसी वस्तु में अर्थात किसी ऑब्जेक्ट में किसी निश्चित समय पर अगर भिन्नता दिखाई दे रही है, ठीक है, तब हम उसे कहते हैं परिवर्तन। जैसे अभी मैं हूँ यहाँ पर, ठीक है, लेकिन अगर कुछ समय बाद यहाँ पर मैं यहाँ पर आ गया, तो ये परिवर्तन हो गया, यहाँ पर आ गया, ये परिवर्तन है कुछ समय में। आप देखिए, ठीक, बच्चे हैं, बच्चे जो है एक महीने बाद उसमें कुछ और परिवर्तन दिखाई देता है, दूसरे महीने में और परिवर्तन दिखाई देता है। पौधे को देख लीजिए, ठीक है, जब हम एक बीज लगाते हैं तो बीज से इसमें अंकुरण पहले बनता है, ठीक है, अंकुरण बनने के बाद फिर रूट एंड शूट डिफाइन होता है, यानी बीज से ऊपर की ओर शूट, नीचे की ओर रूट। तो किसी भी निश्चित समय अंतराल में किसी भी वस्तु में अगर आप क्या देख रहे हो, भिन्नता देख रहे हो, डिफरेंस देख रहे हो, ध्यान रखिएगा, भिन्नता, तो इसी को कहते हैं हम चेंज। क्या कहते हैं? परिवर्तन। इट मींस कि जब हमको डिफरेंस दिखाई देगा किसी ऑब्जेक्ट में किसी निश्चित समय अंतराल में, दैट इज कॉल्ड चेंज। आया समझ में? जब यही चीज हम समाज में पाते हैं, कहां पाते हैं? समाज में, तब इसी को हम कहते हैं सामाजिक परिवर्तन। सामाजिक परिवर्तन अर्थात समाज में किसी निश्चित समय पे, अब वस्तु की जगह क्या आ जाएगा यहां पर? समाज आ जाएगा, ध्यान रखिएगा, समाज अर्थात समाज में किसी निश्चित समय में अगर कोई भिन्नता दिखाई दे रही है, तब हम कहते हैं परिवर्तन हुआ। जैसे कि मान लीजिए, क्या होते हैं, कई लोग जो है अपने गांव से बाहर जाते हैं कमाने खाने के लिए, जॉब के लिए, साल भर में या 6 महीने में वो एकाध बार गांव आते हैं, तो जब आते हैं गांव तो वो देखते हैं, हाँ यार ये परिवर्तन हुआ। आप भी फील करते होंगे, ठीक, जो स्टूडेंट है, ठीक, वो अगर 3 महीने 4 महीने बाद भी अगर गांव जा रहे हैं तो कुछ ना कुछ परिवर्तन तो निश्चित रूप से देखने को मिलता है। तो परिवर्तन क्या, कि पहले एक अलग छवि थी कि भाई यहाँ पर ये चौक था, ये चौराहे थे, यहाँ पर ये पेड़ थे, यहाँ पर इस प्रकार के घर थे, अब जा रहे हैं तो उन घरों में परिवर्तन दिखाई दे रहा है, वो पेड़ बड़े हो गए हैं, ठीक, वहाँ चौक अच्छे से बन गए, रोड ठीक ठाक बन गई है, यही परिवर्तन है। पहले की स्थिति से और वर्तमान स्थिति, यानी दो समय के बीच में अगर अंतराल में, ध्यान रखिएगा, दो समय अंतराल में या दो समय के बीच में अगर कोई भिन्नता दिखाई दे रही है, ठीक, स्थितियों में, तो उसी को हम क्या कहते हैं? परिवर्तन कहते हैं। जैसे कि विवाह, देखिए पहले विवाह किस प्रकार से होता था, गांव में ही रहते थे, गांव में अपने घर के अंतर्गत ही निश्चित समूह के बीच में, ठीक, विवाह संपन्न हो जाता था, ठीक है, मतलब ज्यादा दिखावा नहीं होता था। आजकल देखिए, ठीक है, आजकल देखिए विवाह क्या है, एक प्रकार का फैशन हो गया, एक प्रकार का शो ऑफ हो गया है, ठीक, तो इसमें बहुत सारे लोग बहुत ज़्यादा खर्च कर रहे हैं शो ऑफ के लिए, दिखाने के लिए कि हम जो है विवाह इस प्रकार से कर रहे हैं। चलिए, ठीक, तो समझ में आया। अब देखिए समाज में किस चीज में परिवर्तन होगा, तो यहाँ पर मैकाइवर पेज की बात करूंगा मैं। मैकाइवर पेज ने क्या कहा था, समाज क्या है? समाज जो होता है वह सामाजिक संबंधों का जाल होता है। व्हाट इज मीन बाय सोसाइटी? ठीक, व्हाट इज मीन बाय सोसाइटी? सोसाइटी इज अ रिलेशनशिप बिटवीन द
ह्यूमन बींग्स, यानी कि समाज के जो लोग हैं उन लोगों के बीच में जो रिलेशनशिप है, ठीक है, उसमें जो पाए जाने वाले परिवर्तन है उसी को हम सामाजिक परिवर्तन कहेंगे। आया समझ में? क्योंकि समाज वही है। समाज के डिफिनेशन में मैकाइवर पेज ने साफ साफ कहा था, समाज सामाजिक संबंधों का जाल है। जब समाज सामाजिक संबंधों का जाल है तो इसी सामाजिक संबंध में अगर कोई परिवर्तन होता है तो उसी को हम क्या कहेंगे? सामाजिक परिवर्तन कहेंगे, ठीक है। अर्थात मैकाइवर पेज के अकॉर्डिंग, मैकाइवर एंड पेज के अकॉर्डिंग, ठीक, व्हाट इज मीन बाय सोशल चेंज? सोशल चेंज का मतलब होगा सामाजिक संबंध में परिवर्तन, ठीक है, ध्यान रखिएगा, सामाजिक संबंधों में परिवर्तन, ठीक है, यानी सोशल रिलेशन में, ठीक है, ध्यान रखिएगा, सोशल रिलेशन में होने वाले परिवर्तन को हम क्या कहेंगे? सामाजिक परिवर्तन। अब आ जाते हैं हम, ठीक है, देखिए अब यहां पर अगर डिफाइन करना है तो आप इस प्रकार से आराम से कहेंगे, ठीक है, अकॉर्डिंग टू मैकाइवर पेज, समाज जो कि सामाजिक संबंधों के जाल से बना होता है, अर्थात इसी सामाजिक संबंध में, अर्थात इसी सोशल रिलेशन में होने वाले परिवर्तन को हम सामाजिक परिवर्तन कहेंगे। ये हो गया दो नंबर में, एकदम कॉन्क्रीट वे पे फिट हो जाएगा। अब अगर यही चार नंबर में होगा तो आप बताइए कि सामाजिक संबंध क्या है, जैसे माता पिता का संबंध, ठीक है, दोस्त मित्र का संबंध, ठीक, एक व्यवसायी का उसके ग्राहक से संबंध, समझ में आ रहा है? तो यही सामाजिक संबंध है जो आपको इस समाज में देखने को मिलते हैं। अब बता सकते हैं कि अब देखिए, पहले पिता पुत्र के बीच संबंध अलग था, भाई भाई के बीच संबंध एक अलग प्रकार का था, मित्र मित्र के बीच अलग प्रकार का संबंध था। आजकल देख रहे हैं किस प्रकार से सारा जो ये रिलेशनशिप का ताना बाना है वो बदल चुका है, ठीक है, पति पत्नी के सामाजिक संबंध में कितना परिवर्तन आ चुका है, ठीक है, बहुत सारे वेज हो चुके हैं, बहुत सारे तरीके हो चुके हैं, ठीक, नए तरीके से डेवलप हो चुका है। यानी सामाजिक परिवर्तन का मतलब हो गया सामाजिक ताने बाने में होने वाले परिवर्तन को हम सामाजिक परिवर्तन कहेंगे, ठीक है। पहले हम संयुक्त परिवार पे ज़्यादा जोर देते थे, यानी तीन पीढ़ियों के लिए कम से कम एक ही जगह पे एक जगह निवास करते हैं। तीन पीढ़ी छोड़िए, ये तो थ्योरेटिकल चीज़ है, ठीक, आप मतलब कि सामाजिक आपका क्या कहते हैं उसको, कौन सा फैमिली की चर्चा कर रहे थे, संयुक्त परिवार की चर्चा कर रहे थे ना हम लोग। तो संयुक्त परिवार वह परिवार होता है जिसमें कम से कम तीन पीढ़ी के लोग एक साथ निवास करते हैं, ठीक है। देखिए ऐसा नहीं है तीन पीढ़ी से ज़्यादा लोग भी निवास करेंगे उसको भी कहेंगे, लेकिन कम से कम है, ठीक, यानी कम से कम जैसे कि माता मतलब ये रहा बीच की फैमिली, ठीक है, और इस ये अपने पिता के साथ भी है और अपने बच्चों के साथ भी है, इसी को हम कहेंगे, ठीक, संयुक्त परिवार, ध्यान रखिएगा। यानी कि अपने माता पिता और अपने दादा दादी के साथ अगर रह रहे हो आप तो समझो कि आप संयुक्त परिवार में। अब देखिए, ठीक है, अब संयुक्त परिवार का जो चीज है वो बदल चुका है, क्यों? क्योंकि आपके चाचा आपसे अलग रह रहे हैं कि नहीं रह रहे हैं, हाँ, तो ये सब चीजें बहुत आसानी से आजकल समाज में देखने को मिल रही है, और यही सब में परिवर्तन को हम क्या कहेंगे? सामाजिक परिवर्तन कहेंगे। अब आ जाते हैं सामाजिक परिवर्तन की विशेषता, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सोशल चेंजेस, सामाजिक परिवर्तन की विशेषता, ठीक, कैरेक्टरिस्टिक्स। सबसे पहली बात, सामाजिक परिवर्तन जो है, ठीक है, ध्यान रखिएगा, पहला पॉइंट हम इसी को रखेंगे, ये यूनिवर्सल है, यूनिवर्सल है, यानी कि यह सार्वभौमिक प्रक्रिया है, सार्वभौमिक प्रक्रिया है। इसका मतलब क्या हो गया? सामाजिक परिवर्तन, ध्यान रखिएगा, जैसे अभी वर्तमान समय में अगर भारत में परिवर्तन हो रहे हैं तो विश्व में सभी जगह परिवर्तन हो रहे हैं। कोई भी ऐसा स्थान नहीं है, कोई भी ऐसा देश नहीं है, कोई भी ऐसा समुदाय नहीं है जहां पर परिवर्तन नहीं हो रहा है। अर्थात सामाजिक परिवर्तन जो है एक सार्वभौमिक अवधारणा है, ठीक, सोशल मतलब सोशल चेंज इज अ यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट, बहुत क्लियर है, आया समझ में? दूसरा, चलिए आइए समझिए, ठीक है, दूसरा पॉइंट हम इसको यह बताएं कि सामाजिक परिवर्तन, ध्यान रखिएगा, सामाजिक परिवर्तन जो है इसकी प्रकृति, ध्यान रखिएगा, इसकी प्रकृति सामाजिक है, ठीक, ध्यान रखिएगा, इसकी प्रकृति सामाजिक है। अब इसका मतलब क्या हुआ सर? अब ये प्रश्न हो गया, इसका जो नेचर है, किसका नेचर भाई? सोशल चेंज का जो नेचर है, ठीक, ये सोशल है, ठीक है, सोशल, ना कि पर्सनल, अर्थात ना कि पर्सनल, अर्थात न कि व्यक्ति, अर्थात किसी एक व्यक्ति में होने वाले परिवर्तन को हम सामाजिक परिवर्तन नहीं कहेंगे, ठीक है। हम किसको परिवर्तन कहेंगे? जो
समाज में हो रहा है परिवर्तन उसी को हम सामाजिक परिवर्तन कहेंगे। एक व्यक्ति में परिवर्तन को हम सामाजिक परिवर्तन नहीं कह सकते। जैसे मान लो मैं, ठीक है, मैंने समाज में कुछ अलग ही कर रहा हूं मैं, ठीक, अलग प्रकार का पहनावा पहन रहा हूं, ठीक, मैं अलग प्रकार के अपने नए रीति रिवाज बना लिया हूं, ठीक है, जिसको मैं ही फॉलो कर रहा हूं, ठीक है, तो उसको हम सामाजिक परिवर्तन नहीं कहेंगे। वो एक व्यक्ति विशेष में होने वाला परिवर्तन है, जबकि सामाजिक परिवर्तन पूरे समाज में होने वाला परिवर्तन है। जैसे मैं मान लो कि अभी जो विवाह है, ठीक, उस विवाह में मान लो विवाह करने का पूरा टेक्निक है जो पूरा अगर चेंज हो जा रहा है, समझ में आ रहा है ना। अब हम सिंदूर भरने के बजाय वहां पर अगर काजल भरने की परंपरा आ जाए, मान लीजिए, ठीक है, ऐसा है जो काजल आंख में लगाते हैं, अब वही काजल सिंदूर की जगह लगा रहे हैं, एक उदाहरण बता रहा हूं, ठीक है, तो अगर कोई एक व्यक्ति कर रहा है तो उसको हम बोलेंगे सनकी है, ठीक, कुछ नयापन करने का तरीका है, वो कर रहा है। लेकिन अगर वही चीज पूरे समाज में आ जाए, पूरा समाज उस चीज को एक्सेप्ट कर ले, हाँ, तो ये सामाजिक परिवर्तन है। क्यों? क्योंकि आपने उस चीज को परिवर्तित कर दिया जो बहुत पहले से चला आ रहा था। ठीक है, चलिए आइए तीसरा देख लेते हैं। अब हम बता देते हैं कि सामाजिक परिवर्तन जो है, ठीक, यह इसकी भविष्यवाणी संभव नहीं है। भविष्यवाणी इसकी संभव नहीं है, ध्यान रखिएगा, संभव नहीं है, ठीक है। आप इसको प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हो कि आज से इतना साल बाद विवाह में इस प्रकार का परिवर्तन होगा, ठीक है, परिवार में इस प्रकार का परिवर्तन होगा, समझ में आ रहा है ना, ठीक है, समाज की जो अन्य संस्थाएं हैं उसमें इस प्रकार का परिवर्तन होगा। अर्थात समाज में, ध्यान रखिएगा, समाज शास्त्र में, समाज में, ठीक है, आप समाज के बारे में प्रिडिक्शन नहीं कर सकते, इसकी कोई भविष्यवाणी नहीं कर सकते, क्योंकि समाज किससे बना है? सामाजिक संबंध से बना है, और इस सामाजिक संबंध के प्रमुख कौन है? व्यक्ति हैं, और व्यक्ति के आचरण की कोई भविष्यवाणी नहीं की जा सकती। आज आप कुछ और कर रहे हो तो कल कुछ और ही करोगे, समझ में आ रहा है, परसों कुछ और ही करोगे, तो व्यक्ति की भविष्यवाणी नहीं की जा सकती। व्यक्ति के आचरण की बात कर रहे हैं ना, व्यक्ति का जो वे ऑफ बिहेविंग है, ठीक, जिस तरीके से वो बिहेव करता है, ठीक, वो एक सोशल कंडीशन में बिहेव करता है, क्या पता सोशल कंडीशन चेंज हो जाए तो व्यक्ति चेंज हो जाता है। जब व्यक्ति भी कभी कभी क्या होता है, अगर कोई व्यक्ति बहुत दमदार है तो सोशल कंडीशन को भी चेंज कर देता है, ठीक, जैसे महात्मा गांधी जबरदस्त व्यक्ति थे, करिश्माई व्यक्ति थे, ठीक है, उसी प्रकार के कुछ करिश्माई व्यक्ति होते हैं जो सोशल कंडीशन से प्रभावित नहीं होते हैं, उल्टा सोशल कंडीशन को प्रभावित कर देते हैं, ठीक है, तो फिर भी आप समझिए इसकी भविष्यवाणी संभव नहीं है। चलिए अगला हम देख लेते हैं, नेक्स्ट पॉइंट, इसकी जो गति है, ठीक, ध्यान रखिएगा, ये असमान है, अनइवन, ठीक है, इरेगुलर भी कह सकते हैं, अर्थात समाज में आप गति ऐसा नहीं है, देखिए, ठीक, भारत में देखिए परिवर्तन रीति रिवाज में देखिए बहुत धीरे गति से हो रहा है, लेकिन वहीं पर समाज में परिवर्तन देखिए, शहर जो है कितने जबरदस्त तरीके से विकसित हो चुके हैं, गांव कितने जबरदस्त तरीके से विकसित हो चुके हैं, कम्युनिकेशन जो टेक्नोलॉजी है वो कितना जबरदस्त तरीके से विकसित हो चुका है, लेकिन अभी भी हम अपने प्रथा परंपराओं को विकसित नहीं कर पाए, यानी कि हम ही है और हमारा समाज, हमारा ही एक पक्ष जो है बहुत जबरदस्त तरीके से विकसित कर रहा है। एक तरफ तो हम जबरदस्त घर बना रहे हैं, टाइल्स लगवा रहे हैं, ठीक है, एसी लगवा रहे हैं, समझ में आ रहा है ना, ठीक, वाईफाई लगवा रहे हैं, 5G फोन ले रहे हैं, आधुनिक से आधुनिक चीजों को अपना रहे हैं, ठीक है, किस चीज में? रहन सहन में। लेकिन वही हमारी मान्यता है, हमारी प्रथा, हमारी जो परंपरा है, ठीक है, अभी भी हम उसका पालन कर रहे हैं। तो ये हो गया समाज के दो पक्ष, ठीक है, एक तरफ से हम बहुत जबरदस्त तरीके से विकसित हो रहे हैं और दूसरे तरीके से अभी भी हम प्रथा परंपरा के हिसाब से रुके हैं, ठीक, ये एक तरीका हो गया। दूसरे तरीके से आप ये देखिए कि एक समाज और दूसरे समाज में परिवर्तन भी समान नहीं है, ठीक है, आप कुछ ऐसे समाज को देखेंगे जो पहले जिस कंडीशन में था आज भी उसी कंडीशन में, लेकिन कुछ समाज को ऐसे देखेंगे जो बहुत जबरदस्त तरीके से डेवलप कर रहा है। अब इसी को ओवरऑल आप ले लीजिए, ठीक, भारत को भारत से तुलना कर लीजिए अमेरिका की, ठीक है, अब देखिए कि उसके कंडीशन, जिसे जब आजाद हुआ भारत तो अमेरिका बहुत जबरदस्त तरीके से विकसित किया था, ठीक है, लेकिन उसके सापेक्ष भारत में परिवर्तन कम हो रहा था, लेकिन अब जो है, ठीक, जब यहां पर भारत में भी, ठीक है, ध्यान रखिए क्या कहना चाहिए, आर्थिक उदारीकरण का दौर आया, तो आर्थिक उदारीकरण के दौर के बाद और वर्तमान समय में देखिए बहुत जबरदस्त तरीके से हर क्षेत्र में यहां पर भी परिवर्तन हो रहा है, तो असमान परिवर्तन होता है, सब जगह एक बराबर एक तरीके से परिवर्तन नहीं होता। तो ये कुछ विशेषताएं थी, ठीक है, अब हम परिवर्तन के प्रतिमान के बारे में चर्चा कर लेते हैं, परिवर्तन के प्रतिमान, ठीक है, पैटर्न, प्रतिमान, तो यहां पर प्रमुख रूप से समाज शास्त्र में तीन प्रतिमान बताए गए हैं। पहला है रेखीय प्रतिमान, यानी लीनियर चेंज कहना चाहिए। दूसरा है चक्रीय प्रतिमान, चक्री के बजाय, हां, चक्री रख लेते हैं या तरंग रख लेते हैं, पहला तरंगीय प्रतिमान, तरंगीय प्रतिमान, और तीसरा रख लेते हैं हम चक्रीय प्रतिमान, चक्रीय,
तरंगी का मतलब इसका जो है ये वेव के हिसाब से, जैसे वेव चलता है उस तरह से चलता है। चक्री का मतलब क्या हो गया? सर्कुलर। अब एक एक करके इसमें चर्चा कर लेते हैं, ठीक, ध्यान रखिएगा। अब एक एक करके चर्चा कर लेते हैं। रेखीय प्रतिमान का मतलब होता है जब कभी भी परिवर्तन एक दिशा में होता है सीधा सीधा, उसी को हम रेखीय प्रतिमान कहते हैं समाज में, ठीक है। जैसे कि फोन में जो परिवर्तन हुआ है, जो तकनीक में परिवर्तन हुआ है, जो टेक्नोलॉजी में परिवर्तन हुआ है, ये परिवर्तन हुआ है रेखीय परिवर्तन। जैसे हमारे पास पहले नोकिया का फोन था, ठीक है, जिसमें बटन ज्यादा थे, छोटा स्क्रीन था, ठीक है, समझिएगा। अब जो अगला जो उसका वर्जन आया उसमें बटन थोड़ा कम हो गया, स्क्रीन थोड़ा और बड़ा हो गया और अच्छा दिखने लग गया, पहले धुंधला दिख रहा था। उसके बाद अब देखिए, अब वर्तमान में इसका कितने टेक्नोलॉजी, हर एक फोन के टेक्नोलॉजी के डेवलपमेंट का आपने बहुत अच्छे से देखा है। और आज आपके पास जो स्मार्टफोन है उसमें आपका बटन ही नहीं, पूरा पूरा स्क्रीन है, उसी स्क्रीन में बटन दे दिया गया है। समझ में आ रहा है ना? यानी कि पूरा जितना बड़ा फोन है उतना बड़ा पूरा स्क्रीन, पहले इतना बड़ा नहीं आता था स्क्रीन, धीरे 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 बड़ा होता होता आज देखिए क्या हो गया है, ठीक है। तो ये जो टेक्नोलॉजी में जो परिवर्तन होता है, ठीक है, ये परिवर्तन लगभग क्या होता है? सीधा परिवर्तन होता है, रेखीय परिवर्तन। इसी प्रकार समाज में भी बहुत जगहों पर रेखीय परिवर्तन होता है। अब आइए मैं आपको बता देता हूं, अगस्त कॉम्ट, अगस्त कॉम्ट ये हमारे समाजशास्त्र के प्रमुख समाजशास्त्री हैं, इन्हीं को हम समाजशास्त्र का पिता भी कहते हैं। इन्होंने कहा था कि समाज में बौद्धिक जो विकास है, अलग अलग स्तर की विकास करो ना, बौद्धिक विकास वो तीन स्तरों पे होती है और वो रेखीय है। क्या क्या कहा था इन्होंने? सबसे पहला कहा था नंबर वन थियोलॉजिकल, थियोलॉजिकल अर्थात व्यक्ति पहले धार्मिक था। क्या था भाई? पहले धार्मिक था। दूसरा हो गया मेटाफिजिकल, मेटाफिजिकल, ठीक, अर्थात बाद में व्यक्ति क्या हो गया? तात्विक हो गया, ध्यान रखिएगा, तात्विक। और तीसरा स्तर इन्होंने बताया, ठीक, पॉजिटिव, अर्थात पॉजिटिव का मतलब क्या हो जाएगा? प्रत्यक्षवादी, प्रत्यक्षवादी, ठीक, यानी पॉजिटिविज्म, TIVISM, पॉजिटिविज्म की बात कर रहा है, प्रत्यक्षवादी। यानी व्यक्ति पहले धार्मिक प्रवृत्ति का था, फिर तात्विक हुआ, अब प्रत्यक्षवादी, प्रत्यक्ष की चीजों पे ज्यादा विश्वास करता है, ठीक है, जिस चीज को आप नहीं देखते हो उस चीज पे विश्वास नहीं करते हो। ये एक उदाहरण है आपका, ध्यान रखिएगा, ठीक है। दूसरा उदाहरण हमको मिलता है मॉर्गन का, मॉर्गन, ध्यान रखिएगा, ये भी समाजशास्त्री है मॉर्गन। इन्होंने कहा कि समाज सबसे पहले बार्बरिक था, यानी बार्बरिज्म था समाज में, तो सबसे पहले बर्बर समाज की बात किया इन्होंने, बर्बर समाज यानी बार्बरिक समाज, बार्बरिक समाज दूसरा था, ठीक, जब बर्बर समाज था, बर्बर समाज के बाद इन्होंने, ठीक है, सॉरी उल्टा कर दिया, ठीक, थोड़ा सा चेंज कर दीजिए, ठीक, ये बर्बर नहीं था सबसे पहले, ठीक, दूसरा नंबर में था, पहले था जंगली समाज था, इन्होंने सबसे पहले जंगली समाज की बात किया था, नंबर वन जंगली समाज। क्या था भाई? जंगली समाज। दूसरा था, पहले एक लाइन से लिख लेता हूं, बर्बर समाज, ठीक है, और तीसरा था, ठीक है, बर्बर के बाद सभ्य समाज। देखिए ये एक एक करके डेवलप हो रहा है, ठीक, डायरेक्ट हम सभ्य नहीं बन गए, सबसे पहले हम जंगली अवस्था में थे, फिर बर्बर अवस्था में आए, फिर हम सभ्य अवस्था में आए। इसी प्रकार से कार्ल मार्क्स ने भी कहा है, ध्यान रखिएगा, कार्ल मार्क्स, ठीक है, इन्होंने भी समाज के परिवर्तन को रेखीय परिवर्तन के रूप में परिभाषित किया है। और इन्होंने कहा है कि समाज जो सबसे पहले क्या था, ठीक है, सबसे पहले हमारे यहां आदिम साम्यवादी समाज पाया जाता था। चलिए हम आगे अगला पेज पे लेके चलते हैं, ठीक, यहां पर कंटेंट जो है चलिए इस तरफ कर लेते हैं, ठीक, आदिम साम्यवादी समाज पाया जाता था, इस तरफ आ जाते हैं। क्या पाया जाता था सबसे पहले? आदिम साम्यवादी समाज, ध्यान रखिएगा, आदिम साम्यवादी समाज, साम्यवादी समाज, ठीक, प्रिमिटिव कम्युनलिस्ट सोसाइटी, ध्यान रखिएगा। दूसरा आ गया, आदिम हो गया यहां पर, ठीक, आदिम साम्यवादी समाज के बाद दूसरा आ गया दास मूलक समाज, दास मूलक समाज, ठीक, जिसको हम स्लेव सोसाइटी कहते हैं, स्लेव सोसाइटी। तीसरा आ जाएगा आपका इसी में सामंतवादी समाज, सामंतवादी समाज, ध्यान रखिएगा, सामंतवादी, सामंतवादी का मतलब हो जाएगा फ्यूडुअल, ठीक है, ध्यान रखिएगा, फ्यूडुअल। चौथा आ जाएगा हमारा, ठीक, पूंजीवादी समाज, पूंजीवादी समाज, ठीक है, और इसका मतलब हो जाएगा कैपिटलिस्ट।
और पूरा कार्ल मार्क्स का जो सिद्धांत है पूंजीवादी समाज के आसपास घूमता है, यानी केंद्र में यही है। लेकिन डेवलप इसी प्रकार हुआ, पहले हम आदिम थे, फिर दासमूलक व्यवस्था आई, फिर सामंतवादी व्यवस्था आई, और तब जाके आया ठीक पूंजीवादी समाज। इसके बाद आ जाता है एक और, हम बता देते हैं साम्यवादी समाज। साम्यवादी समाज यही आदर्शवादी समाज है, और यही ध्यान रखिएगा इसी की व्यवस्था को हमने अपनाया अपनी अर्थव्यवस्था, अर्थव्यवस्था बोलता हूँ ठीक है, आर्थिक रूप से हमने साम्यवादी समाज को अपनाया, सामाजिक रूप से नहीं अपनाया, ध्यान रखिएगा। और यही कार्ल मार्क्स का साम्यवादी जो सिद्धांत है ये बहुत ही जबरदस्त तरीके से प्रसिद्ध हुआ था। तरंगी सिद्धांत, अब हम मान्यताओं की बात करेंगे। तरंगी सिद्धांत ये बोलता है कि जब परिवर्तन एक बार ऊपर की ओर हो, फिर नीचे की ओर हो, फिर ऊपर की ओर हो, फिर नीचे की ओर हो, तब इसको हम कहते हैं तरंगी सिद्धांत। और इस प्रकार का परिवर्तन हमको जनसंख्या के क्षेत्र में देखने को मिलता है, जनसंख्या ठीक ध्यान रखिएगा ठीक, क्यों? पॉपुलेशन में एक बार वृद्धि होती है तो फिर अगला डिकेड में कमी हो जाती है, फिर अगला डिकेड में वृद्धि या कमी, ध्यान रखिएगा वृद्धि या कमी, या तो ऊपर की ओर या तो नीचे की ओर, उसी को क्या कहा गया है? तरंगे सिद्धांत। चक्री सिद्धांत, ध्यान रखिएगा चक्री सिद्धांत का मतलब जिस प्रकार से ऋतु में परिवर्तन होता है, ऋतु में परिवर्तन अर्थात जैसे अभी गर्मी का चल रहा है, गर्मी के बाद बरसात आएगा, बरसात के बाद ठंडा, ठंडा के बाद बसंत ऋतु, फिर बसंत के बाद फिर परिवर्तन होगा। तो जिस प्रकार में चक्रिक परिवर्तन होता है, साइक्लिक चेंज होता है ठीक है, उसी प्रकार से ठीक समाज में भी साइक्लिक चेंज होता है ठीक है, समाज भी कभी कभी अपने आप को दोहरा लेता है ठीक है, ध्यान रखिएगा। देखिए पहले सिंधु घाटी समय सभ्यता से पहले देखिए जो समाज था वो ग्रामीण समाज था, सिंधु घाटी समाज नगरीय समाज था ठीक है। अब देखिए फिर हम नगर की ओर ही आ रहे हैं, यानी अब बहुत बड़ा नगरीय समाज बन चुका है, तो एक हिसाब से फिर सभ्यता अपने आप को क्या कर रही है? दोहरा रही है। तो इस तरीके से ठीक इसमें बात किया जाता है। चूंकि अब हमारे पास उतना समय नहीं है इसलिए इन दोनों को हम ज्यादा डिटेल यहां पर नहीं कर सकते, तो आशा करता हूं कि ये चीजें आपको समझ में आई होंगी। आगे के लिए ध्यान रखिएगा अगला सीरीज में इसी तरीके से हम किसी भी एक टॉपिक को आराम से डील करते जाएंगे ठीक है। जिनको मेंस का क्लास करना है वो आइए यहां पर, मेंस के क्लास में इन सब चीजों को और अच्छे से डिटेल से अपन देखेंगे, क्योंकि लंबा समय जाता है ठीक है। और इस सीरीज में हम केवल इन बिंदुओं पे चर्चा करते हुए आगे बढ़ेंगे ठीक है। धन्यवाद, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। अगर आप चाहते हैं अपने कैरियर को एक नई दिशा देना और सुनहरे भविष्य को साकार करना, तो जुड़िए कंपटीशन कम्युनिटी के साथ। आज ही हमारे वेबसाइट के कैरियर पेज पर विजिट करें अथवा डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर दिए गए लिंक पर क्लिक करें। हमेशा आपके साथ टीम कोको।